हेलो, शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट सवाल हम लेने हैं। तो लास्ट टाइम जो सवाल किया था, तो लास्ट टाइम जो सवाल किया था उसी तरह का एक उसी नंबर में का लॉक उसी तरह का एक नंबर का यूपीएल के लॉक ले साथ। रहे हैं हम यूपीएल के साथ। तो सवाल देखते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। सवाल देखते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। ये न्यूमेरिकल हमने किया था और अभी हम कर रहे हैं सेकंड न्यूमेरिकल। क्या द एस एफ डी एंड बी एम डी फॉर गिवन थ्री एस एफ डी हिंस एंड बी एम डी फॉर गिवन थ्री हिंस आर्क्स। आर्क। अब इसमें आर्क्स दे रखा है, स्पान 20 मीटर, इसका मिडल राइज 4 मीटर, मिडल राइज 4 मीटर, एक यूडीएल दे रखा है, ये लेफ्ट हैंड एक हिंज यूडीएल से दे रखा 8 मीटर है, तक ये 20 किलोन्यूटन लेफ्ट पर हैंड हिंज मीटर से है। 8 मीटर तक 20 किलोन्यूटन पर मीटर है। तो इसमें इसका भी ऐसे कनेक्शन बीच में चला जाता है, ठीक है। तो हम एक सवाल ले रहे हैं जिसमें यूडीएल लगा हुआ है, थ्री हिंज आर्च है। थ्री हिंज आर्च वैसे डिटरमिनेट सवाल होता है, तो इसमें यूडीएल लगा हुआ है 8 मीटर तक, इसका स्पान 20 मीटर है और शीर्ष पर इसकी हाइट 4 मीटर है। किसी भी दूसरी बिंदु पर, जैसे यहाँ पर डी दिखा रहा है, किसी बिंदु पर हाइट का अगर निकालना हो हमें एथ हाइट, तो उसका सूत्र हमने बताया था वाई इज इक्वल टू 4R/L² और एक्स, ये जितने मीटर पे निकालना 8 मीटर इंटू L-X। यही एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है। तो इसमें सबसे पहले हमें आर ए आर बी निकालना है। आर ए लोडिंग देखिए 20 × 8, 160 टोटल लोडिंग है। तो मैंने आपको पहले भी कहा था इसकी रिएक्शन निकालनी है, तो सीधा बीम मान के रिएक्शन निकाल लो। मतलब एक बीम है और उस पर 20 मीटर पे आर ए आर बी है, ऊपर ये यूडीएल है। तो कैसे निकलेगा, हमें ए के सापेक्ष आघूर्ण निकालना, आर बी इंटू 20, और ये यूडीएल हो जाएगा 8 मीटर तक 20 का इंटू उसके आधे पर ए से 4 मीटर दूरी, तो आर बी आ गया 32 किलोन्यूटन। और इसी तरह बी के सापेक्ष भी आघूर्ण ले लेंगे तो वो हो जाएगा 128 किलोन्यूटन। तो आर ए आर बी आ गया हमारे पास, डायग्राम देख लो आप, ये आ रहे हैं। अब हमें चाहिए एच ए एच बी। एच ए हॉरिजेंटल रिएक्शन एट ए, एच बी हॉरिजेंटल रिएक्शन एट बी, और ये दोनों बराबर होंगी क्योंकि आर्च पर एक्सटर्नली कोई लोडिंग नहीं है हॉरिजेंटल टाइप की, इसलिए बिंदु सी के सापेक्ष आघूर्ण लेंगे तो आर बी इंटू 10 हो जाएगा बराबर 80 × 4। ये 80 वाला सी के सापेक्ष आघूर्ण निकालेंगे तो 80 × 4 हो जाएगा, 4 इसका राइज है। तो इस तरह से आपका आर बी इंटू 10 बराबर एच बी इंटू 4, इससे एच बी आ गया 80 और एच बी सेम है, दोनों 80 हो जाएंगे। दोनों की डायरेक्शन में वो दोनों अंदर की तरफ है, एक दूसरे के बराबर है। लोडिंग के कारण बी ये बीम आर्च फैलने की कोशिश कर रहा है, ए और बी आउटसाइड जा रहे हैं, तो दोनों एच और एच बी अंदर की तरफ लगेगा, ठीक है। अब हमें इसका बीएमडी बनाना है, तो बीएमडी बनाने के लिए एम ए जीरो है, एम सी जीरो है, एम बी जीरो है और डी पर हमें आघूर्ण चाहिए। और इसका बीएमडी देखो आप, बी सी पर जीरो है, ये लाइन जा रही है बी से सी पर जीरो है, और बी से सी और डी पर कोई लोडिंग नहीं है, तो वो सीधी लाइन आएगी। लेकिन ए से डी तक यूडीएल है, उसमें पैराबोला बनेगा, पार्ट पैराबोला 8 मीटर तक। तो हमने ये वाला डायग्राम पैराबोलिक बना रखा है। तो ये पैराबोला है, हमें अब केवल डी पर मोमेंट चाहिए। ये 76.8 दिख रहा है, कैसे निकालना है, डी पर आघूर्ण ले लो आप बस। अब जब हम डी पर आघूर्ण लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे चाहे राइट हैंड साइड कंसीडर करेंगे, तो डी से एच बी चाहे एच ए, ये जो लग रहा है, तो इसमें हमें डी की हाइट चाहिए। तो देखिए उसके लिए वो सूत्र जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ, वो है पैराबोला की इक्वेशन है ये 4YC, YC मतलब क्राउन पे हाइट है, या इसको आर भी लिखा हुआ है, 4R/L² इंटू एक्स इंटू ब्रैकेट में L-H, एल इसका टोटल स्पान है, तो वहां से आ गया 3.84।
अब हम D के सापेक्ष आघूर्ण ले रहे हैं, तो A की साइड में लिया तो RA इंटू 8 हो गया और UDL हो गया 80 × 3.84, नहीं UDL नहीं है, ये है आपका horizontal reaction, 80 × 3.84 जो हमने दूरी निकाली horizontal reaction के लिए, HA के लिए निकाली थी, और इसी तरह से माइनस UDL, UDL 20 इंटेंसिटी 8 मीटर तक लग रहा है और 4 इसकी CG है, तो इस तरह से D पर मोमेंट आ गया 76.8 आपको यहां पर नजर आ रहा है। तो A से D तक पैराबोलिक है और D से C जीरो होता हुआ D पे जीरो हो गया, इस तरह से आपको BMD बनाना है। A, B, C तीनों पर जीरो है और बीच में जो भी लोडिंग है वहां पर या कोई पॉइंट लोड है जहां पर मैक्सिमम होगा उस तरह का आपको बीएमडी बनाना है और उसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये 3 inch आज का बीएमडी भी निकल गया। अब इसका शियर फोर्स डायग्राम बनाना है, तो मैंने कहा था शियर फोर्स में इस आर्च को आपके सिंपली सपोर्टेड बीम मान लो और बीम पे 8 लेफ्ट हैंड साइड से 8 मीटर की दूरी पे यूडीएल लग रहा है, आरएआर का पहले से निकाल चुके हैं तो आरएआर भी निकाला, तो ये आरए की वैल्यू है 128 और 160 नीचे आएगा यूडीएल, यहां से शियर फोर्स बनेगा यूडीएल का तिरछी लाइन नीचे आएगा, तो ये 160 नीचे आना है, 120 पहले से 32 नीचे आ गया। सी पे जो हिंज है उसके कारण कोई फर्क नहीं पड़ेगा, शियर फोर्स ट्रांसफर हो जाएगा वहां पर एक तरफ से दूसरी तरफ, तो आपका सीधी लाइन आ जाएगी। और यहां पर बी पर देखेंगे आप तो ये आरबी के बराबर 32 आ भी गया, ये बड़ा सिंपल सा छोटा सा एक एसएफडी बन गया, तो ये 3 inch आर्च का एसएफडी भी बन गया। आपके लेवल का जो सवाल आता है वो इतना ही आता है, आपका एसएफडी और बीएमडी बनाई है और ये आ गया, पिछले सालों के सवाल देखेंगे तो आपको यही सवाल मिलेंगे। अब एक एक्स्ट्रा सवाल आता है वो हम अभी कर रहे हैं, इसके बीच में यहां पर हम देख लेते हैं, आपको और किसी को कुछ बोलना है तो आप बात कर सकते हैं, मैंने अभी सबको अनम्यूट किया हुआ है, आप अपना हाँ सवाल समझ में आ रहा है कुछ पूछना है, सवाल समझ में आ रहा है कुछ पूछना है अभी नहीं, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, हाँ अभी ठीक है, हम कर रहे हैं, लगता है जब कर रहे हैं, हाँ लेकिन क्या जोर से बोलो, जोर से बोलो, यहाँ क्या तुम क्या करिए समझ में आ रहा है, ओके समझ में आ रहा है। स्टूडेंट्स हो गए हैं, मैंने भी अनम्यूट किया हुआ है सभी को, अनम्यूट किया हुआ है सभी को, पेन पेपर लेकर बैठो अच्छी बात है, पेन पेपर लेकर बैठो अच्छी बात है। तो नेक्स्ट सवाल ले रहे हैं, 2 साल पहले सवाल आया था, ले रहे हैं 2 साल पहले सवाल, ये नेक्स्ट सवाल है, इसमें एक आर्च दे रखा है और इसमें पूरे स्पान पे यूडीएल है और इसमें यूडीएल की कोई भी वैल्यू है, डब्ल्यू वैल्यू है, कोई भी वैल्यू दी हुई हो तो इसी तरह से करना है और इसका बीएमडी पूछा गया है, होल स्पान यूडीएल है, तो अभी एक न्यूमेरिकल वो हम ले रहे हैं, तो इसमें एक 3 inch आर्च दिया हुआ है और होल स्पान पे यूडीएल है। आज मेरे यहां पर कनेक्शन स्पीड थोड़ी कम है, सवाई थोड़ी देर में आएगा डायग्राम, तो होल स्पान कोई भी इंटेंसिटी है डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर और वो पूरे पे लगा हुआ है, ये थोड़ा स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, डब्ल्यू का कोई भी वैल्यू हो तो इस तरह से उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका एसएफडी बीएमडी बनाइए, तो आर ए आर बी कितना होगा, देखो टोटल लोडिंग है एल इंटू डब्ल्यू, तो आधा आधा हो जाएगा, सिमेट्रिक लोडिंग है तो रिएक्शन हो गया डब्ल्यू एल बाई टू,
आरए और आरबी डब्ल्यूएल बाई टू, ठीक है यहां तक। अभी नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल रिएक्शन निकालना है, तो जैसे सी के सरफेस आगुन ले ला और ये वाई सी है, ये आर है, इसका राइट है क्राउन पे राइट, वाई सी मतलब क्राउन पर आर राइट। ये कोई डाटा भी देखा होगा वैल्यू अंक, या अभी हम आर ले रहे हैं इसमें, तो अब आप सी पर हमें मोमेंट चाहिए। सी पर मोमेंट लेके हम एच एल एच बी निकालना चाह रहे हैं, वैसे हमें पहले से पता है कि एच ए और एच बी बराबर होगा, तो एच ए और एच बी ये ना इक्वेशन लिखी आपने सी के सापेक्ष आगुण की, इसको देखते जाओ आर ए इंटू एल बाई टू, सी के सापेक्ष आर ए एल बाई टू दूरी पर है, ठीक है। अब यूडीएल और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन दोनों इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रही है, तो एच ए इंटू आर, आर हाइट पर है एच ए, सी पर, सॉरी मेरा माइक नहीं चल रहा था, अभी चलेगा आवाज आएगी आपको, आर ए की साइड में सी से ए की तरफ आर ए रिएक्शन इंटू एल बाई टू बराबर एच ए हॉरिजॉन्टल रिएक्शन सी से आर दूरी पर है एच ए इंटू आर प्लस यूडीएल डब्ल्यू एल बाई टू तक लग रहा है और सी से उसकी सीजी की दूरी एल बाई फोर। एच ए के लिए इसको सॉल्व करेंगे तो डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन एट आर हो गया, इसी तरह से एच बी के लिए सॉल्व करेंगे तो डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन एट आर हो गया। अब हमें किसी भी हाइट पर मोमेंट निकालना है, इसने कहा कि इसका बीएमडी निकालिए, तो सब जगह पर बीएमडी निकालना है तो इसकी जनरल इक्वेशन बनानी पड़ेगी, हम जनरल इक्वेशन बनाते हैं। तो जैसे कोई सेक्शन लिया या कोई डी बिंदु लिया, डी पर इसकी मोमेंट की इक्वेशन क्या होगी, डी बिंदु आर ए से एक्स दूरी पर है, एक्स इंच से, इसका जो राइज है वो वाई है, ये सब वेरिएबल है, तो हम इस इक्वेशन में वाई निकालते हैं, तो वाई का है फॉर्मूला है वाई सेंट्रल आर हमारा वाई सी है अभी एल स्क्वायर एक्स एल माइनस है, तो एक्स के किसी भी मान पर हम वाई निकाल सकते हैं, तो एक्स की वैल्यू रखेंगे तो वाई आ जाएगा, ठीक है। तो राइज आ गया हमारा एक्स किसी भी एक्स की वैल्यू के लिए, टेकिंग मोमेंट अबाउट डी, अब डी के सापेक्ष हम आगुन ले रहे हैं, तो इक्वेशन बनना है आर इंटू एक्स, एक्स दूरी जो भी होगी, माइनस एच ए इंटू वाई, जिस बिंदु पर हम मोमेंट ले रहे हैं वहां से एच ए की दूरी और उसकी वर्टिकल डिस्टेंस वाई है, ये पूरा ये सूत्र लिखना पड़ेगा इसमें, माइनस यूडीएल के कारण डब्ल्यू इंटेंसिटी एक्स दूरी पर इंटू एक्स माइनस टू दूरी होगी डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू वाला पद हो गया ये, किसी भी डीएल के केस में। तो अब इसमें इसमें हमने वाई का मान रखा है देखो, और आर ए का रखा डब्ल्यू एल बाई टू, तो y का मान भी रख दिया 4r अपॉन l स्क्वायर h x इनटू l माइनस h, और इसको हमने सॉल्व किया, तो सॉल्व किया तो हमने mx बराबर देखा कि mx बराबर 0, इसका मतलब ये है कि पूरे आर्च पर कहीं भी मोमेंट निकालेंगे तो वो 0 आएगा, चाहे x की वैल्यू कुछ भी है और चाहे लोडिंग भी कुछ भी दे रखा है, ठीक है। तो ये एक तरह से थ्योरम हो गया, ये एक तरह से एक स्टैंडर्ड सवाल हो गया, एक डेरिवेशन हो गया कि बेंडिंग मोमेंट एट एनी पॉइंट इन द आर्च इज जीरो। तो इसका बेंडिंग मोमेंट कैसा दिखेगा, बेंडिंग मोमेंट दिखेगा ये आर्च जैसा, ये जो दिख रहा है यही आपका बेंडिंग मोमेंट है, सब जगह पर जीरो वैल्यू, तो आपको इस पे कहीं भी सेकंड लाइन नहीं बनानी, केवल आर्च बनाना है। तो ये इसमें डेरिवेशन हो गया कि अगर होल स्पान यूडीएल है और यूडीएल की कोई भी वैल्यू है, डब्ल्यू की कोई भी वैल्यू हुई, तो इसमें जीरो हो जाएगा बेंडिंग मोमेंट का मान। ठीक है, एक ही सवाल हो गया हमारा, हम एक नंबर का रोल ले लेते हैं जल्दी से,
खाली वो दिखा देता हूँ, मैं आपको शेयर करूंगा, आप उसको पढ़ते रहना, अगर कोई दिक्कत आएगी तो आप मुझे बता देना। मैंने अनम्यूट कर दिया है, आप अपने माइक अनम्यूट कर दिया है। हाँ समझ में आया, कुछ पूछना है तो पूछो भाई, समझ में आया कुछ पूछना है तो पूछो भाई। कालू सिंह, महावीर, मोनू सिंह, महावीर, मोनू, आलोक मिश्रा, निशा, यू, मनु सेन, यू प्रकार, दुष्टा, दिनेश दामोद, क्यू कॉम, पी आर, जवाद, मनुद्दी, कोई है? कलम कुछ और टॉपिक लेंगे, टॉस का नहीं लेंगे, टॉस का लेंगे। आप लोग मुझे बता दो कि कल और क्या पढ़ना है, मुझे बता दो कि कल और क्या पढ़ना है। फिर हम प्रोजेक्ट की बात करेंगे, आपका कोई आइडिया है प्रोजेक्ट के बारे में, आपका कोई आइडिया है प्रोजेक्ट के बारे में, और जो लोग यहाँ पर प्रोजेक्ट करना चाहते हैं यहाँ पर हम आपको तैयारी करवाएंगे, मटेरियल अभी से लिखना शुरू करेंगे, मटेरियल अभी से लिखना शुरू करेंगे, एग्जाम के पहले बाद में जब भी होता है तब आप फ्री, एग्जाम के पहले बाद में जब भी होता है तब आप फ्री, बिना नोट्स बोल के समझा दूंगा। हो सकता है कल एक चैप्टर हम डिस्कस करें, एक कोड है हम डिस्कस करें, एक कोड है अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर में मेसोनरी के लिए कोड है, मेसोनरी और एक आरसीसी के लिए कोड है, और एक आरसीसी के लिए कोड है, दोनों आपके सिलेबस में है, वो कोड में कल डिस्कस करना चाह रहा हूं, 13920 कोड आईएस 13920 कोड आईएस 13920 वो आपका 310 का वो चैप्टर भी हो जाएगा, वो आपका 310 का वो चैप्टर भी हो जाएगा। फिक्स है, फिक्स बीम के लाभ क्या है, फिक्स बीम के लाभ क्या है, ये भी मैं आज आपको बोलूंगा, चार पांच लाइनें हैं, आज आपको बोलूंगा चार पांच लाइनें हैं। फिक्स बीम एक ऐसा बीम है, फिक्स बीम एक ऐसा बीम जो कि समान की समान सिंपली सपोर्टेड की तुलना में अधिक बल, अधिक बल, अधिक आघूर्ण और अधिक शियर फोर्स वहन कर सकता है, शियर फोर्स वहन कर सकता है, उतने ही बड़े क्रॉस सेक्शन और उतने ही स्पान के लिए, और उतने ही स्पान के लिए बीम में स्लोप का मान कम होता है और उसमें डिफ्लेक्शन का मान भी कम होता है, इन सब में आप एक टर्म लिख सकते हो उसकी स्टिफनेस ज्यादा होती है, समान बेंडिंग मोमेंट के लिए क्रॉस सेक्शन कम हो जाता है, जो लड़के लिखते हैं वो सस्ता पड़ता है, सुंदर दिखता है, सिरों पर उसकी आबद्धता ज्यादा है, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा मिलती है, ज्यादा मोमेंट ले सकता है, ठीक है। तो कुछ कंक्रीट की ऐसी क्वालिटी है कि कुछ मान तक स्ट्रेस भी ले सकती है, टेंशन स्ट्रेस भी ले सकती है, तो इसमें एंड्स पर सिरों के आलंबों पर नेगेटिव स्ट्रेसेस उत्पन्न होती है, मतलब टेंशन स्ट्रेसेस उत्पन्न होती है, और उतनी उत्पन्न होती है जितना कि कंक्रीट ले सकती है, सपोर्ट्स पर कंप्रेशन जोन में नेगेटिव डालकर इसकी क्षमता बढ़ाई जा सकती है, जिससे सेक्शन का एरिया, सेक्शन का एरिया कम हो जाता है, या ऐसा लिखेंगे कि तो क्या कम हो गया इसमें, एरिया कम हो गया, स्ट्रेस कम लगा, कम हो गया, ज्यादा बेंड मूवमेंट ले सकता है, ज्यादा शियर फोर्स ले सकता है, कैसे ज्यादा रहने का मतलब क्या है, कि समान स्पान के सिंपली सपोर्टेड बीम की तुलना में समान लोडिंग के अंतर्गत उतनी ही लोडिंग हम रख रहे हैं, तो लोडिंग हम रख रहे हैं, इसमें फायदा है, इसकी स्टिफनेस ज्यादा होती है, तो इसके और इकोनॉमिक होता है, ये भी हमने बात किया, स्लोप कम होता है, डिफ्लेक्शन कम होता है, स्लोप कम होता है, डिफ्लेक्शन दो या चार नंबर का आता है, बहुत बार आया हुआ है, आप देखोगे वो पर में तो आपको पता चलेगा, स्लोप कैंटिलीवर किस कंडीशन में लगाया जाता है, कैंटिलीवर किस कंडीशन में लगाया जाता है, या पता करो, आपने सवाल भी किए हैं, कल भी हम इसको और डिस्कस कर सकते हैं, स्लोप कैंटिलीवर क्यों बनाया जाता है, किन परिस्थितियों में बनाया जाता है, किन परिस्थितियों में बनाया जाता है, तो दो तीन थ्योरी के क्वेश्चन है इन तीनों चैप्टर में, दो तीन थ्योरी के क्वेश्चन है इन तीनों चैप्टर में, कुछ एक हर साल कोई क्वेश्चन आ सकता है, और कल यही टाइम रहेगा, मैं दूसरे और कनेक्टिविटी के साथ टाइम रहेगा, मैं सर रोलिंग लोड क्या, ठीक है सर, रोलिंग लोड के जो हमने केस नहीं लिए हैं, लोड के जो हमने वो बहुत सरल टाइप के थे, उसको हम सवाल के सॉल्व में डिस्कस कर लेंगे।